आज मैं बात इसी विषय पे करूंगा कि हमें लोगों के लिए ठोकर का नहीं वरन उन्नति का कारण बनना है। हालेलुया। हमें ठोकर का कारण कभी भी नहीं बनना है किसी भी व्यक्ति के लिए, वरन उन्नति का कारण बनना है। आज जब मैं इस वचन पे मनन कर रहा था, प्रभु ने मुझे एक जगह से वचन दिया, मेरे साथ निकालेगा मत्ती रचित सुसमाचार 17:24-27 पद में यीशु मसीह पत्रस से कुछ बात कर रहे हैं। पत्रस विचारों में है, पत्रस एक बात का विचार कर रहा है कि मुझे कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह से एक प्रश्न करते हैं और कहते हैं, पत्रस तू क्या सोचता है कि हमें कि कर कौन देता है, पुत्र या पराये? पत्रस उत्तर देते हैं, पत्रस कहते हैं कि पराये। तो यीशु मसीह कहते हैं तो पुत्र छूट गए, अर्थात तो पुत्र को कर नहीं देना पड़ता। पर वचन में आगे लिखा है यीशु मसीह पत्रस को एक बात कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम किसी को ठोकर खिलाएं। हालेलुया। इसलिए तू अपने हिस्से का और मेरे हिस्से का कर जाके भरे। अर्थात यीशु मसीह पत्रस को एक शिक्षा दे रहे हैं, पत्रस को वो सिखा रहे हैं कि मैं ऐसे लाइफ को लेके आया हूं जो दूसरों के लिए ब्लेसिंग बने, ना कि ठोकर का कारण बन जाए। और इसीलिए वो पत्रस को कह रहे थे कि मैं तुम्हें भी ये सिखा रहा हूं कि हमें किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना। पत्रस तू जा और कर भर दे। आज प्रभु मुझे और आपको यही सिखाना चाहते हैं कि हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है, किसी भी जीवन के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। चाहे वो आपके परिवार के लोग हैं, चाहे आपकी कलीसिया के लोग हैं, चाहे वो कोई भी जन हो सकता है अविश्वासी हो जिनके साथ आप संगति में रहते हैं। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं मेरे प्रियो, आपकी थोड़ी सी गलती, आपकी थोड़ी सी चूक बहुत सारे जीवनों के लिए ठोकर का कारण बन जाएगी। और जब मैं इन बातों को सोचता हूं, मैंने देखा है बहुत सारे जीवन, बहुत सारे बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे बड़े बड़े सेवक इस गलती को कर रहे हैं, अब वो लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, जाने या अनजाने, पर वो ठोकर खिला रहे हैं लोगों को। मैंने एक भाई से एक प्रश्न पूछा, वो शराब में लिप्त था और शराब पीता था। मैंने उससे बात करी और उसने मुझे बताया, मैंने कहा भाई आपने शराब कैसे शुरू करी, कैसे आपके मन में आया? उसने एक खूबसूरत सी बात बोली, उसने बोला कि मैं अपने पिता को देखता था, मैं अपने पिता को देखता था कि वो शराब पीते थे, बोले, और मेरे मन में विचार आया कि जब मेरा पिता ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता। यानी कि जाने अनजाने उसका पिता उसके लिए ठोकर का कारण बन गया। उसने अपने जीवन में ठोकर किसी बाहर से नहीं खाई, अपने पिता से खाई। आज बहुत सारे जीवन ऐसे हैं जो बहुत सारे अगुओं को फॉलो करते हैं, बड़े बड़े प्रचारकों को फॉलो करते हैं, बड़े बड़े दासों को फॉलो कर रहे हैं, पास्टर्स को फॉलो करते हैं, और मालूम है जाने अनजाने वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण कलीसिया में बहुत सारे जीवन ठोकर खा रहे हैं। परमेश्वर हमें चिता रहे हैं कि हमें किसी का ठोकर का कारण नहीं बनना, वरन उन्नति का कारण बनना है। दो तरीके के पत्थर होते हैं, एक पत्थर होता है जिससे ठोकर लग जाती है और एक पत्थर होता है जो भवन के बनने के काम आता है। हालेलुया। आज प्रभु चिताना चाह रहे हैं कि मुझे और आपको वो पत्थर बनना है जिससे लोगों के जीवन का निर्माण हो, जिससे लोगों के आत्मिक घर बन पाए। हमें वो पत्थर नहीं बनना जो अच्छे खासे बढ़ते हुए विश्वासी को ठोकर खिला दे। आज प्रभु मुझे और आपको इन बातों को सिखाना चाहते हैं मेरे प्रियो। में एक बार पत्रस से एक और गलती हुई, मत्ती 16:23 उसने फिर कर पत्रस से कहा, हे शैतान, हाँ, मेरे सामने से दूर हो, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। पत्रस से यीशु मसीह एक बात कह रहे हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा, मेरे लिए ठोकर का कारण है। पत्रस ने ऐसा क्या कह दिया जो यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है?
मालूम है यीशु मसीह बात कर रहे थे अपनी क्रूसिफिकेशन की, यीशु मसीह बात कर रहे थे कि वो सलीब पर लटकाए जाएंगे, वो मारे जाएंगे, वो गाड़े जाएंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। ये बातें वो अपने चेलों से और भीड़ से कर रहे थे। पर पता है एक अद्भुत सी बात हुई, पत्रस ने प्रेम से भरकर ही सही, प्रेम से भरकर ही सही उसने यीशु मसीह से कहा कि यीशु मसीह ऐसा नहीं होना चाहिए, तू क्रूस पे नहीं चढ़ना चाहिए। पर मालूम है यीशु मसीह इस बात को नजरअंदाज करते हैं और कहते हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हट जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। मालूम है क्यों? क्योंकि पत्रस ने शैतान के इन्फ्लुएंस में आकर परमेश्वर के कार्य को बिगाड़ना चाहा, इसीलिए यीशु मसीह ने उसे कहा कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। आज मालूम है बहुत सारे मनुष्य आज यही काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर के कामों से हटकर मनुष्य के कामों पर मन लगाते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, पत्रस तू परमेश्वर की ओर नहीं परन मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। आज बहुत सारे जीवन ऐसे हो गए हैं मेरे प्रियो जो ठोकर का कारण बन रहे हैं लोगों के लिए, जैसे पत्रस उस समय यीशु मसीह के लिए ठोकर का कारण बनने जा रहा था, पर यीशु मसीह ने उसे डांट दिया क्योंकि वो शैतान के इन्फ्लुएंस में कर रहा था। या याद रखिएगा मेरे प्रियो, आज बहुत सारे जवान बच्चे, बहुत सारे लोग ठोकर का कारण इसलिए बन रहे हैं क्योंकि वो शैतान के इन्फ्लुएंस में काम कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें शैतान बहका रहा है, हमें शैतान इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है। मैंने एक भाई को मालूम है, थोड़ा सा पीछे दिनों डांट भी लगाई, मैंने एक भाई है वो बहुत ज्यादा टिकटॉक और बहुत सारे वर्ल्डली चीजों में जाने लगा और वो परमेश्वर की सेवकाई भी कर रहा है, बहुत सारे अद्भुत तरीके से काम कर रहा है, वो जाने अनजाने उससे भी नहीं लगता। पता है परमेश्वर जब उससे बात करी, बोले अब सोच के देखो, जब ये वर्ल्डली चीजें कर रहा है, ये वर्ल्ड की नीति पर ये सारे काम कर रहा है, तो जो इसे फॉलो कर रहे हैं वो क्या ठोकर नहीं खाएंगे? क्या उनको याद नहीं पड़ जाएगा कि हम भी ये काम करें? अब सोच के देखिए, उन्हें याद मिलेगा, जवानों को याद मिलेगा कि हम भी तो ये काम कर लेंगे। एक भाई ने मुझे भी कहा, एक दिन प्रैक्टिस के दौरान शायद वो कुछ कर रहा होगा, उसने कुछ गलती करी, मैंने उसे डांट लगाई, मैंने कहा बेटा आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो मालूम है उसका एक उत्तर आया, मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करता, उसने एक उत्तर दिया मुझे, उसने मुझे बोला कि हमारे जो बड़े भैया हैं वो भी तो कर रहे। तो जाने अनजाने वो बड़ा भाई उस छोटे भाई के लिए ठोकर का कारण बन गया। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपसे कह रहे हैं कि हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है। पर एक बात कहना चाहता हूं जो पौलुस ने अपने कलाम में कही है कि जाने अनजाने में किसी को ठोकर ना खिलाऊं। पढ़िएगा मेरे लिए दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 3-8 पद। पौलुस इस बात को कहते हैं मेरे प्रियो, वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि मैं किसी को ठोकर खिलाऊं। पड़ेगा दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 3 पद, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते, हम किसी भी बात में ठोकर खाने का अवसर नहीं देते। पौलुस ये बात कह रहा था, पौलुस ने कहा कुरिन्थियों की कलीसिया में, उसने कहा कि हम किसी बात में ठोकर खाने का अवसर नहीं देते, क्योंकि हम जानते हैं भले मैं हर एक बात के लिए स्वतंत्र हूँ, भले ही परमेश्वर ने मुझे हर एक बात के लिए स्वतंत्र रखा है, मैं हर एक काम कर सकता हूँ, पर वो कह रहा है कि मैं अपनी स्वतंत्रता का भी काम में नहीं लाता, मैं ऐसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं लोगों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहता। मेरे प्रियो आगे जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर के दास ने कुछ अद्भुत बातें बोली, पढ़िएगा, कि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं जी, बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से। परमेश्वर के दास ने लिखा, हम हर एक बात में सहते हैं, कष्ट भी सहते हैं, कोड़े भी खाते हैं, हम दुख भी सहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। हम अपनी सेवकाई में लोगों को ठोकर देने नहीं वरन उसे उन्नत करने आए हैं, उन्हें उन्नति देने के लिए आए हैं। आज मेरे और आपका ध्येय यही होना चाहिए मेरे प्रियो, कि हमारे किसी भी छोटे या बड़े काम से
किसी को ठेस न लगे या ठोकर न लगे। अगर उस काम से दूसरे को ठेस लग रही है या ठोकर लग रही है तो मैं वो काम नहीं करूंगा। इसलिए पौलुस ने कहा कि यदि मेरे खाने से मेरे पीने से दूसरे को ठेस लगती है तो मैं मांस कभी ना खाऊंगा। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात पौलुस ने बोली कि अगर मेरे द्वारा किसी को इस बात से ठोकर लग रही है तो मैं नहीं खाऊंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु की इच्छा है, मेरे लिए निकालेगा पहला कुरंतियों 10 अध्याय उसका 23वां पद पढ़ेगा। पहला कुरंतियों 10 अध्याय 23। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, सब लाभ की नहीं, सब लाभ की नहीं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं जी, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। परमेश्वर के दास ने खूबसूरत बात बोली कि सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं पर सब लाभ की नहीं, सब लाभ की नहीं है। वो कह रहा है सारी बातें उचित हैं, फेसबुक उचित है, टिकटॉक उचित है, सब कुछ उचित है, पर सब वस्तुओं से लाभ नहीं। आगे वो चिताना चाह रहा है, आगे पढ़िएगा भाई। जी, सब वस्तुओं से उन्नति नहीं, कह रहे सब उचित हैं लेकिन सबसे उन्नति नहीं होती। तो उसने अपने जीवन में उन बातों को ग्रहण किया जिससे न स्वयं उसकी वरन कलीसिया की भी उन्नति होती है। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हें वरदान इसलिए दिए गए हैं कि उससे कलीसिया की उन्नति हो। अगर आपके इन कामों से कलीसिया उन्नति हो रही है, आपकी उन्नति हो रही है तो अच्छा है, अगर नहीं हो रही है तो मेरे प्रियो भले वो लाभ की क्यों ना हो आपके लिए आप उसे कूड़ा समझ लीजिएगा। हालेलुया, इसीलिए परमेश्वर के दास ने बोला इसी का पहला कुरिन्थियों 10 का 31 और 33 पढ़िएगा। सो तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो जी, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो जी। तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए के कारण बनो। हालेलुया, परमेश्वर कलाम में लिखा ना तुम यहूदियों के लिए ना यूनानियों के लिए ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। जो कुछ भी करते हो ऐसा करो कि परमेश्वर की महिमा हो। अगर आपके काम से परमेश्वर के नाम को महिमा नहीं मिल रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर उसे महिमा मिल रही है वो आप कार्य कर सकते हैं। हालेलुया, अगर महिमा नहीं मिल रही है तो आपको वो कार्य नहीं करना। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस ने इस बात को मुझे और आपको चेताया है कि हमें चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी हो या कलीसिया हो उन्हें ठोकर नहीं लगना देना। इसी का पहला कुरिन्थियों 8 का 8 अध्याय का 9वां पद और मेरे लिए पढ़ेगा। परंतु सावधान ऐसा न हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। हो सकता है आज बहुत सारे जीवन ये सोच रहे हो कि परमेश्वर ने मुझे इस बात के लिए स्वतंत्र रखा है, इस बात के लिए स्वतंत्र रखा है। मालूम, मैंने एक बहुत अद्भुत सा अनुभव प्राप्त किया। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये आपका विवेक है कि आप कैसे चलते हैं, पर अपनी साक्षी को बना के रखिएगा। पर अगर लोग आशीष पा रहे हैं तो हमें वो काम करना है। हालेलुया, हालेलुया, जिससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो रही है। इसी का पहला कुरिन्थियों का 9:19 पढ़ेगा और मैं अद्भुत बात आपसे करने जा रहा हूँ। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया। मालूम है मुझे और आपको पौलुस से सीखने की जरूरत है। मैं अपने आप को भी इसमें लेता हूँ, मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। पौलुस ने कहा कि सब चीजों से स्वतंत्र होने पर भी, सारी बातों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया। हालेलुया, हमारे में क्यों बनाया? आगे वचन बताता है कि किसी भी कारण से मैं चाहे यहूदी चाहे यूनानी सबको परमेश्वर में खींच लो। हालेलुया, हालेलुया, अद्भुत बात है मेरे प्रियो। आज प्रभु मुझसे और आपसे बात कर रहे हैं, मैं ठोकर नहीं खिलानी किसी को भी, हमें उसकी उन्नति करनी है, उसे बढ़ाना है परमेश्वर में, और वो बढ़ेगा। मालूम है वचन में जब मैंने आपको पढ़वाया था पहले मत्ती 23 और उसका 1-3 पद में, आज परमेश्वर ने कुछ देखकर इस बात को बोला। मत्ती 23 1-3 पद में प्रभु ने कहा, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, जी शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना, इसलिए वो तुमसे जो कुछ भी कहें वो करना और मानना,
और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, परंतु उनके से काम मत ना करना। परमेश्वर ने भी इस बात के लिए चेताया, यीशु मसीह ने भी कहा कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, वो कह रहे हैं जो कुछ भी वो बोलते हैं वो सब कुछ सुनना मानना, पर उनके से काम न करना, क्योंकि यदि आप उनके से काम करने लग जाओगे तो आप लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने मना किया, क्योंकि वो लोग कहते बहुत कुछ थे पर उसे फॉलो नहीं करते थे, बताते बहुत कुछ थे पर फॉलो कुछ भी नहीं करते थे। इसलिए परमेश्वर ने आगे वचन में कहा कि वो एक भारी बोझ को तुम्हारे ऊपर डालते हैं पर उसे उंगली से भी खिसकाना नहीं चाहते, नहीं चाहते। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे और मुझसे इस बात को कह रहे हैं, आज मुझे और आपको सतर्क होने की जरूरत है कि कहीं मेरे जीवन से कोई भाई या कोई बहन जो प्रभु में बढ़ रहा है उसे ठोकर तो नहीं लग रही है। अगर मेरा मूवी को जाना, अगर मेरा थिएटर को जाना मेरे भाई को ठोकर दे रहा है तो मैं थिएटर न जाऊं। मती उसका 18 अध्याय, पर जो कोई छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबोया जाता। परमेश्वर कलाम कह रहा है यदि तुम्हारे द्वारा किसी को ठोकर लग रही है तो ये इससे भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट डाल के उसे समुद्र में डाल पड़ जाता। कितनी बड़ी पनिशमेंट की बात है यदि मेरे जीवन से ऐसा हो रहा है तो। प्रभु का ये वार्निंग मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, यदि मेरे द्वारा मेरा भाई, मेरा एक छोटा सा भाई जो अभी विश्वास में आया है, जो अभी प्रभु में बढ़ना आरंभ कर रहा है, यदि वो ठोकर खा रहा है तो परमेश्वर कलाम कह रहा है कि ये भला होता कि उसके गले में चक्की का पाट डाल देते और उसे समुद्र में डाल दिया जाता। ये उसके लिए बात है जिसके कारण ठोकर लग रही है। यदि मेरे कारण कोई ठोकर खा रहा है तो ये पनिशमेंट मेरे लिए आ रही है, पर उन लोगों को भी एक सीख परमेश्वर ने दी है जो ठोकर खा रहे हैं। ये तो उसके लिए बोला जिसने ठोकर दी, पर उसके लिए भी एक मार्ग परमेश्वर ने बताया जो ठोकर खा रहे हैं। आगे पढ़िए कैसे, ठोकरों के कारण संसार पर हाय ठोकरों का लगना अवश्य है पर हाय उस मनुष्य पर जी जिसके द्वारा ठोकर लगती है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है, जिसके द्वारा ठोकर आ रही है, ये बात उसके लिए है। आगे, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए। अब उन लोगों के लिए परमेश्वर बात कर रहे हैं कि जो ठोकर खा रहे हैं, और परमेश्वर के वचन में लिखा है यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, अगर आपका हाथ गड़बड़ कर रहा है तो कह रहे काट दे, ऐसा नहीं कह रहे ना, कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु, कुछ प्रकाशन की रीति पर आपसे बात करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं यदि मुझे बहन छोटू से ठोकर लग रही है, यदि ये मुझे ठोकर खिला रही है, इसके द्वारा मैं ठोकर खा रहा हूं, तो परमेश्वर कह रहे हैं इसे काट दे, अर्थात वो कह रहे हैं इसकी संगति से अलग हो जा। हालेलुया, वो कह रहे हैं इससे अलग हो जा, अलग होके जीवन में चल, इससे बेहतर है कि तू इसकी संगति की चाह करे और तू नरक की आग में डाल दिया जाए, इससे बेहतर है यहां पे संसार में इससे फेलोशिप खत्म करे। हालेलुया, परमेश्वर ये सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए कहा यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे अलग कर दे, यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे अलग कर दे। ये बात पाप के लिए भी परमेश्वर कह रहे हैं, यदि तुझसे तेरे हाथ से कोई पाप बार बार हो रहा है तो परमेश्वर कह रहे हैं कि उस पाप को अलग कर दे। हालेलुया, उसे अपने जीवन से अलग कर दे, क्योंकि अगर वो तू करता रहेगा तो एक समय आएगा तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा और तुझे नरक की आग में डाल दिया जाएगा। यदि मेरा भाई मेरी बहन मुझे गलत मार्ग पे लेके जाना है और वो मुझे गलत राहों पे लेके जा रहा है तो ये समय आ चुका है मेरे प्रियो, यदि आप उससे ठोकर खा रहे हैं आप उससे अलग हो जाइए, इससे बेहतर है कि वो आपका आत्मिक जीवन खराब कर दे। मालूम है गैंग्रीन एक बीमारी होती है, यदि उसका इलाज नहीं करा जाए तो वो पूरे शरीर को खराब कर सकती है। हालेलुया, मैंने देखा
गैंग्रीन के पेशेंट को भी। मतलब क्या करते हैं, जब गैंग्रीन हो जाती है तो डॉक्टर्स का एक बात कहना है, डॉक्टर्स एक बात कहते हैं इससे ऊपर का हिस्सा पूरा काट दो, जितना खराब हुआ वो निकाल दो, अलग कर दो, ताकि ये पूरे शरीर को खराब ना करे। और होता है गैंग्रीन बढ़ती चली जाती है, पूरा का पूरा पैर भी काटना पड़ता है अगर पैर में किसी को गैंग्रीन हुई। इसलिए परमेश्वर आत्मिक रीति पर मुझसे आपसे बात करना चाह रहे हैं, कह रहे यदि तुझे किसी से ठोकर लग रही है, तुझे लगता है वो गलत मार्ग पे जा रहा है, उसकी शिक्षा सही नहीं है, उसकी बातें सही नहीं है, वो जो बोल रहा है वो सही है लेकिन जो वो करता है वो गलत है, तो आप उससे अलग हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि ये गलत कर रहा है। देखिए चूक सबसे होती है, गलतियां सबसे होती है, उसके लिए माफी है। आप समझ रहे मेरी बात को, बड़े से बड़ा दास, बड़े से बड़ा नबी भी गलतियां कर देता है, हालेलुया, वो भी बैठ सकता है। मालूम है राजा दाऊद के विषय में लिखा है कि शैतान ने उसे उकसाया और उसने जनगणना कराई, प्रभु का अभिषिक्त था पर सुनने में चूक कर गया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, उससे भी गलती हो गई। तो गलतियां सबसे हो सकती हैं, पर मैं आपसे एक बात कहता हूं मेरे प्रियो, आप देख लीजिए कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपको एक कार्य करा रहा है वो गलत है, तो आप उससे अलग हो जाइए, निकाल दीजिए उस संगति से, अलग हो जाइए, आप खुद ब खुद सेफ हो जाएंगे, आपके पूरे अंग को नरक की आग में डाला नहीं जाएगा, सिर्फ उससे अलग हो जाइए, परमेश्वर आपको अनंत जीवन में ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने को मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आ गई, हमें ठोकर का कारण नहीं बनना, लोगों के लिए उन्नति का कारण बनना है, लोगों को उन्नति की ओर लेके जाना है। मालूम है बार बार एक बात कहता हूं कि हमारी बातों से लोग कम बसते हैं, हमारी बातों से लोग कम बसते हैं पर हमारे जीवन से लोग अधिक बसते हैं, हालेलुया। अगर आपका जीवन इस योग्य है, आप प्रचार कर रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं पर आपका जीवन इस योग्य नहीं है, चाहे वो मैं भी हूं, पर आप उस ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं, तो मालूम है मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर इस बात को भली भांति जानते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, गलती सबसे हो सकती है मेरे प्रियो। आज शाम में बस यही आपको सिखाना चाहता हूं कि कोशिश करें कि आपके जीवन से लोगों को ठोकर ना लगे। बातों से लोग कम बचते हैं, आपके जीवन से ज्यादा बचेंगे। अपना जीवन ऐसा बना लीजिए। जब मैं मदर टेरेसा को देखता हूं, आप देखिए उन्होंने बहुत कम प्रचार किया पर उनकी लाइफ ऐसी थी कि लोग आज भी प्रभु के प्यार को जानने पाते, लोग प्यार को जानने पाते जो प्रभु यीशु मसीह संसार में लेके आए। आज मुझे और आपको ऐसे ही जीवन जीना है। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।